आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहे द एग्जांपल ऑफ एसएचएम इज, तो मुझसे पूछ रहा है कि एसएचएम का एग्जांपल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस में जो है यहाँ पे कुछ लिखे हैं कि ये ऑप्शन कह रहे हैं मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो मैं पहले ये ऑप्शन जो कह रहा है वो देख लेता हूँ कि ये कह रहे हैं अगर किसी न्यूक्लियस है, ये कोई अपना न्यूक्लियस है छोटा सा, इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो ये क्या है एसएचएम होगा। तो पहले मैं बता दूँ एसएचएम कैसे अपन फाइंड करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई अपनी मेन पोजीशन मान लेते हैं तो एसएचएम में क्या होगा कि अगर कोई ब्लॉक है तो वो जाएगा फिर वापस फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर वापस आएगा। अगर वो ये पाथ ऐसे फॉलो करता है कि ये एक बार यहाँ गया फिर वापस आया फिर यहाँ गया फिर वापस आया, तो ये क्या करेगा एसएचएम फॉलो कर जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे रहेगा इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे कि अपना ए ऑप्शन कह रहा है मूव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है तो बस ऐसे घूमता ही रहेगा ऐसे ही। ठीक है, वो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं लगा कि एक एक्सट्रीम पोजिशन से वो गया फिर वापस आया उसी एक्सट्रीम पोजिशन पर फिर दूसरी जगह गया फिर वापस आया, ऐसा नहीं कर रहा है वो। मतलब समझना कि मतलब मैं एक बार गया फिर वापस आया, एक बार गया फिर वापस आया, फिर एक बार दूसरी साइड गया और फिर उस साइड से वापस आया, ऐसा ये इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं दे पा रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मोशन दे रहा है वो दे रहा है कि मैं गया और वापस आया और फिर इसी पाथ पे चला गया, मतलब मैं ऐसे गया फिर इसी पाथ पे चला गया, मैं इस साइड जाने इस साइड नहीं गया। ठीक है, तो अपना जो ए ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड घूमता है वैसे ही अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, बस अंतर इतना होता है ये पाथ जो है इलिप्टिकल हो जाता है लेकिन घूमता तो है। तो ये कभी अपनी मेन पोजीशन पे मतलब ऐसे वापस नहीं आता दूसरी जगह दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के लिए, इसके पास कोई दो एक्सट्रीम पोजिशन भी नहीं है तो ये भी नहीं कर सकता। ठीक है, आई गेट द कार आकार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये भी सेम अपना कार घुमा लो सर्कुलर पाथ पे, तो यही मतलब ये तो जो तो ऊपर के एग्जांपल थे वही तीसरा एग्जांपल भी वही कह रहा है कि अपनी कार को सर्कुलर पाथ पे घुमा लो। तो सर्कुलर पाथ पे घुमा देंगे तो क्या होगा कि ऐसे घूमता रहेगा लेकिन इस पे क्या है कोई फोर्स नहीं है, मतलब ये वापस अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पर नहीं आएगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है अ ग्लास बॉल रोलिंग फ्रीली इन अ शैलो हेमिस्फेरिकल बाउल, तो एक शैलो हेमिस्फेरिकल बाउल है अगर ऐसा, तो उसमें क्या है अगर मैंने यहाँ से एक ग्लास बॉल छोड़ दी तो ऐसे जाएगी पहले फिर यहाँ तक जाएगी फिर ऊपर जाएगी फिर यहाँ जाएगी फिर यहाँ से फिर वापस आएगी अपनी पोजीशन पे, मेन पोजीशन इसकी अगर ये रही फिर यहीं से ये वापस जाएगी, तो ये क्या है ये एसएचएम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है अपनी जगह से चले जा रहा है ऊपर फिर वापस उसी जगह आ रहा है फिर दूसरी जगह जा रहा है फिर वापस उसी जगह आ रहा है। ठीक है, तो ये एसएचएम हो सकता है। तो यहाँ से अपना आंसर जो है डायरेक्टली डी आ जाएगा, ये एक तरीका था। और अगर एक और तरीका देखना है तो वो क्या है फोर्स से, कि जैसे कि ये ऊपर के तीनों जो हैं ऊपर के ये जो तीन हैं ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में कोई घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई घूमता है तो उस पर फोर्स कौन कौन से लगते हैं, फोर्स लगता है फोर्स से। फोर्स से कैसे होगा कि अपना कोई एक फोर्स होना चाहिए जो इसको अपनी पोजीशन जहाँ से शुरू किया है वहाँ वापस लेके आए, जैसे कि इसमें जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इस बॉल को जो है नीचे की तरफ इसकी मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बॉल ऊपर के जा रही है क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी है इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी है इसलिए ये बॉल अभी ऊपर चली जाती है फिर वापस आती है, तो फिर वापस आने के बाद यहाँ से वापस आने के बाद उसके बाद इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहती है तो ये इस साइड ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स है जो उसको मेन पोजीशन पे रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये एसएचएम शो कर रहा है। और यहाँ और बात रही इन तीनों में सर्कुलर मोशन है तो इनमें क्या है कोई फोर्स नहीं है, इनको कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रोका नहीं जा रहा है। ठीक है, ये क्या है अपना घूम ही रहे हैं, मतलब जैसा यहाँ पे इन पे फोर्स लग रहा है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स
इधर की तरफ लग रहा है मान लो, तो वैसा ही फोर्स इन पे यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, हर जगह इन पे सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इनको कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है जो इनको मेन पोजीशन कोई डिसाइड कर पाए। तो ये तीनों ऊपर के जो हैं ये SHM शो नहीं कर रहे हैं, और अपना डी ऑप्शन जो है वो SHM शो कर रहे हैं, तो डी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।